नीतीश कुमार के लिए आइडियोलॉजी शर्ट या पैंट हो सकता है जिसको वो लगातार बदलते रहते हैं वोटर एक आइडियोलॉजी के तहत वोटर एक मैनिफेस्टो के तहत शायद वोट करता होगा और उसके वोट की जनमत की लूट कर लेते हैं आप लोग रातों रात बैठे बैठे सम्राट चौधरी की जो पगड़ी है वो नीतीश के चरणों में कभी चली जाती है कभी उनके सिर पर बन जाती है बिहार की जनता को भी अब ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार है किसके बड़े बड़े पोस्टर भी लगे की नीतीश कुमार सबके नीतीश केवल पलटू नहीं है पलटना हमारे देश की फिलहाल सियासत की मुझे लगता है संस्कृति सी बन गई है क्या कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ क्या करेगी देखिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति एक प्ले, एक प्ले, एक प्लेटफॉर्म पे सामाजिक न्याय की राजनीति पर चल रही है आज भारत जोड़ो यात्रा बिहार के अंदर एंट्री की और हजारों लोग राहुल गांधी के साथ मिलाकर चल रहे हैं नमस्कार मेरा नाम राघव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं मॉलिटिक्स की न्यूज़ रूम चर्चा में आज बात करेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का इतना शौक है कि वो आज शपथ लेते हैं तो कल इस्तीफे की प्लानिंग कर लेते हैं इस्तीफा देते देते भी फिर से शपथ लेने की प्लानिंग कर लेते हैं असल में बिहार में सी वही हैं पर सोच नहीं है कल तक उन्हें जो पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी लगती थी अब उन्हें वो अपना परिवार लग रहा है कल तक जिन लालू यादव के समीकरण के साथ उनका सब कुछ तालमेल खा रहा था वहाँ आज उनका सिस्टम सही से बैठ नहीं पा रहा है आज के डिस्कशन में बात नीतीश कुमार की होगी हमारे साथ नीरज जी हैं हेमंत हैं और संदीप हैं नीरज जी पहला सवाल यही कि किस तरह से नीतीश कुमार सुबह उठते हैं तो एक नई विचारधारा का जन्म होता है उनके भीतर राजनीति में ये विचारधारा परिवर्तन का जो नियम है कि मैं आज तक भाजपा ही था कल कांग्रेस ही हो गया परसों सपाई हो जाऊंगा और फिर से कुछ और हो जाऊंगा ये वही लोग हैं जो विचारधारा के नाम पर लड़ने की बात करते हैं फिर इनकी विचारधारा बदल जाती है ये संभव कैसे होता है और इससे किसको फायदा है नीतीश कुमार के स्टैंड से नीतीश कुमार क्वालिफिकेशन से इंजीनियर है इंजीनियर वही ज़्यादा जा, कमा पाता है राघव जो जल्दी जल्दी जॉब स्विच करे आप एक ही जॉब में रहेंगे ना तो हो सकता है आपकी इज्जत हो जाए आ, संस्थान में आपका सम्मान हो जाए लेकिन पैसे नहीं बढ़ेंगे तो नीतीश कुमार इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं और शायद इसीलिए उनको केवल मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है बने रहने का शौक़ है कोई भी परिवर्तन आ जाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लिए परमानेंट इलाज हैं परमानेंट एक सोल्यूशन है, है। लेकिन नीतीश कुमार से मैं कहना चाहता हूँ के सब सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता वक्त वक्तिक तलख हकीकत है दोस्तों फिर भी जितना तुम बदले हो उतना नहीं बदला जाता नीतीश कुमार ये जो पलटते रहते हैं कभी उनको राजद बढ़िया लगने लगती है कभी उनको भाजपा बढ़िया लगने लगती है ये जो पलट है इस पर केवल चर्चा नहीं होनी चाहिए चर्चा ये होनी चाहिए कि बिहार का जो आम वोटर है बिहार का जो आम शहरी है उसकी हालात क्या हो गई है क्या वो उसी संविधान के दायरे में शासित हो रहा है वह संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत एक चुनाव होता है वोटर अपना वोट कास्ट करता है कुछ सोचता होगा आइडियोलॉजी तो वोटर की भी है ना नीतीश कुमार के लिए आइडियोलॉजी शर्ट या पैंट हो सकता है जिसको वो लगातार बदलते रहते हैं वोटर एक आइडियोलॉजी के तहत वोटर एक मैनिफेस्टो के तहत शायद वोट करता होगा और उसके वोट की जनमत की लूट कर लेते हैं आप लोग रातों रात बैठे बैठे सम्राट चौधरी की जो पगड़ी है वो नीतीश के चरणों में कभी चली जाती है कभी उनके सिर पर बन जाती है तो ये जनमत की लूट पर भी हमको बातचीत करना चाहिए और नीतीश केवल पलटू राम नहीं है पलटना हमारे देश की फिलहाल सियासत की मुझे लगता है संस्कृति सी बन गई है अमित शाह क्या कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए एनडीए के दरवाजे बंद चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा में नीतीश कुमार नहीं आ पाएंगे कैसे आ गए इनमें दो निष्कर्ष निकलते हैं राघव पहली बात तो ये कि राम मंदिर के तहत बहुत पोलराइजेशन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की और उनको लग रहा था कि राम उनका जो चुनावी नहीं है उसको खे देंगे लेकिन अभी शायद हालात ये कह रहे हैं कि राम ऐसा करने में बहुत काबिल साबित नहीं हो पा रहे राम का नाम उनके लिए साबित नहीं हो पाएगा उस तरह से कि वो चुनाव को खे दे इसलिए उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है इसलिए ये गठबंधन हमारे सामने आया है लेकिन नीरज जी एक सवाल तो ये भी बन रहा है ना कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं तो उनके फास्ट फ्रेंड नहीं हो गए अनुमान तो लोग ये भी लगा रहे हैं कि छह महीने में एक और पलटी भी हो सकती है तो मेरा सवाल जो बेसिक था कि नीतीश कुमार को अब उनके ही समर्थक कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो उनको बुरा भला कह रहे हैं कल तक उनके लिए अच्छे थे तो पल्टी केवल नीतीश कुमार मार रहे हैं क्या पल्टी तो लालू यादव की पार्टी भी मार रही है कांग्रेस भी मार रही है बीजेपी भी, भी मार रही है अब ऐसे में नीतीश अगर फिर पलट के वापस आते हैं तो क्या विपक्ष भी वही करेगा जो बीजेपी ने आज किया बिल्कुल मुझे लगता है मैंने इसीलिए कही है कि पलटी केवल नीतीश कुमार नहीं मार रहे हैं पल्टी सम्राट चौधरी ने भी मारा है पल्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी मारी है पल्टी जो है वो विपक्ष के लोग भी मारते हुए दिखते हैं बयानों के मद्देनजर लेकिन विपक्ष करता क्या उसको सरकार चाहिए थी और देखिए जब सरकार होती है ना सरकार की जब आप समीक्षा करेंगे तो काम के आधार पर करेंगे सत्रह साल नीतीश कुमार सीएम रहे और सत्रह महीने उन्होंने राजद के साथ ये वाली सरकार चलाई इस सरकार में जो काम हुआ है राघव पिछले आठ दस सालों में सबसे बड़ा मुद्दा अगर उसको प, सच में उस पर बातचीत की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप नौकरी कैसे देंगे मौजूदा जो सरकार थी मतलब जो अभी टूट गई है राजद और जदयू की उस सरकार ने नौकरियां दी हैं जंगल राज जो एक एडजेक्टिव जुड़ा रहता था राजद के साथ तेजस्वी उस बैरियर को तोड़ने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुए हैं तेजस्वी का जो पूरा स्ट्रेचर है तेजस्वी का पूरी जो आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे उनकी भाषा देखेंगे उसमें बहुत जबरदस्त आई है वो हर जगह नीतीश कुमार को आगे कर रहे थे हाँ ये बात जरूर है कि उनको समझना होगा कि नीतीश ना दक्षिणपंथी है ना वामपंथी है ना वो मध्य मार्गी है नीतीश ना कांग्रेसी है ना भाजपाई ही है नीतीश केवल और केवल सत्ताई है तो विपक्षी पार्टी जो ये बात कह रहे हैं कि हम परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं हम आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं तो आइडियोलॉजी को कपड़े की तरह पहनने वाले नेता पर वो विश्वास ना करें और आइडियोलॉजी को कपड़े की तरह पहनने वाले नेताओं को अपने साथ ना जोड़े ये विपक्षी पार्टियों के लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं अनुमान और कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कहा तो यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या पता असली खेला शुरू होगा ठीक है तो उस असली खेले के खेल में फेर में नहीं पड़ना है क्योंकि नीतीश का पलटना या बिहार में नई सरकार कब बनना जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है यह केवल राजनीतिक मामला नहीं है यह सामाजिक मामला है और नागरिकता से जुड़े सवालों पर बहुत जबरदस्त सवाल और पैदा करती है वो पूछती है नागरिकों की औकात क्या है लोकतंत्र में लोगों की औकात पर सवाल या निशान लगाता है इस तरीके से नेताओं का पलटना अब पलट के मुख्यमंत्री बने जा रहे बन जाते हैं लगातार है। कभी किसी पार्टी के साथ कभी किसी पार्टी के साथ उन नागरिकों का क्या उन लोगों का क्या जिन्होंने एक तंत्र के लिए वोट किया था ठीक है मैं आपके पास आऊंगा आऊंगा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं 2005 में नीतीश कुमार जब सीएम बने तो बीजेपी उनका सहयोग में थी उनको पहली बार सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई उसके बाद विरोध शुरू हुआ 2013 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया गया प्रधानमंत्री पद के लिए वहां से नीतीश का विरोध शुरू हुआ उन्होंने भाजपा छोड़ दी इसके बाद इस गठबंधन में जिसको इंडिया गठबंधन कहा जा रहा था नीतीश कुमार की चाह थी कि उन्हें फिर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए जो कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नहीं बनाया था मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आता है और नीतीश कुमार का नाम दूसरे नंबर पर शिफ्ट हो जाता है और ये समस्या फिर से उभरती है क्या कांग्रेस का अपना प्रधानमंत्री बनाने की जिद एक बड़ी वजह रही है नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ने की देखिए जो सामाजिक न्याय की राजनीति लेकर चल रहे थे तेजस्वी यादव और कांग्रेस कौंग, पूरी लेकर चल रही थी उसमें नीतीश कुमार का योगदान भी देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार जाति जनगणना बिहार के अंदर हुई बिल पेश हुआ विधानसभा के अंदर सवाल अब नीतीश कुमार से हैं कि जो जातिगत जनगणना बिहार के अंदर हुई थी क्या उस जातिगत जनगणना को अब भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या वो लागू हो पाएगी पूरी तरीके से उस हिसाब से भागीदारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी और रही बात कांग्रेस की कल जब जो नीतीश कुमार की पार्टी की के, के सी त्यागी ने प्रेस वार्ता की उसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने केजरीवाल के केजरीवाल के साथ मिलकर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और ये पूरी तरीके से साजिश है साजिश ये नहीं है साजिश नहीं अगर कांग्रेस खुद करती है उस काम को या कांग्रेस का कोई नेता आगे आके नाम देता नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे लेकर आइए तब तो कोई बात भी थी और इससे साफ दिखाई देता है नीतीश कुमार की एक दलित विरोधी सोच भी इसमें साफ दिखाई देती है वही दलित विरोधी सोच जो अब जिस दल के साथ वो गए हैं उनकी जिस तरीके से दलित विरोधी सोच है जिस एजेंडे पर वो काम करते हैं आरएसएस के एजेंडे पर जहाँ पर दलितों का कोई भूमिका है ही नहीं दलितों के दलितों की भागीदारी वहाँ पर है ही नहीं वही सोच वही मानसिकता नीतीश कुमार की भी दिखाई देती है अब बात कर रहे हैं कि आ, आगे की क्या आज की तेजस्वी यादव क्या करेंगे या कांग्रेस उनके साथ क्या करेगी देखिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति आज एक एक एक, एक प्लेटफॉर्म पर सामाजिक न्याय की राजनीति पर चल रही है आज भारत जोड़ो यात्रा बिहार के अंदर एंट्री की और हजारों लोग राहुल गांधी के साथ कदम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और मैं देख रहा हूं जो भीड़ जो जनसैलाब बिहार के अंदर आने पर राहुल गांधी को मिला है शायद वो बंगाल में भी नहीं था और असम से पहले भी वो नहीं था असम में तो जो स्टार प्रचारक भारत जोड़ो यात्रा के बने हेमंत विश्व शर्मा उसकी वजह से और ज्यादा वहां पर एकजुटता या भीड़ की दिखाई दी नीतीश कुमार का पलटी मारना साफ और साफ यह दिखाता है कि उनकी किसी भी प्रकार की विचारधारा नहीं है और राजनीति के अंदर अगर आपकी किसी भी तरीके की विचारधारा नहीं है तो आपको समझौते देख कर करने चाहिए यही तेजस्वी यादव को भी तमाम लोग मतलब कह भी रहे हैं और मैं भी यही कहना कि जब तक एक सामाजिक न्याय की जिस लाइन पर आप चल रहे हो या किसी भी लाइन में बेशक आप राइट विंग की लाइन में चलो अगर वो विचारधारा भी आपके पास नहीं है तो आपको इन चीजों से संदीप विचारधारा का मतलब क्या सिर्फ यही है कि वो तमाम लोग जो बीजेपी के खिलाफ है उनकी विचारधारा अच्छी है अभी तक नीतीश कुमार की विचारधारा आपको अच्छी लगती थी

ठीक है और मुख्यमंत्री जी देखिए वही बात है कल तक नीतीश कुमार का वो स्टैंड कि उन्होंने जातिवार जनगणना करा दी है बहुत बड़ा काम किया है और उनको पीएम बनाना चाहिए अब सीधे वो जातिवार जनगणना भी उतना बड़ा मसला नहीं रह रही है कि वो बीजेपी के साथ चले गए तो उनका जितना अच्छा काम था वो सब बुरा हो गया मैं यही कह रहा हूं कि क्या जनता ऐसे में कंफ्यूजिंग जोन में जाएगी क्या तेजस्वी यादव को इसका पूरा फायदा मिले हंड्रेड परसेंट देखिए मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव वो बयान बयान देंगे जो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं या और लोग और चुनाव विश्लेषक दे रहे हैं नीतीश कुमार को आप खारिज नहीं कर सकते हैं आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश खराब सीएम होते तो वो जातीय जो सर्वे था कास्ट सर्वे वो नहीं करवाते वो नीतीश कुमार ने किया बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी में लाखों गलतियां हैं और लाखों कमियां हैं इस पूरी व्यवस्था में लेकिन शराबबंदी का फैसला ले पाने में सक्षम कोई नेता

तो बड़ा धर्म निरपेक्ष कहते हैं नीतीश कुमार क्या स्ट्रेंथ था नीतीश कुमार का

सांप्रदायिकता के लाइन पे कि वो सांप्रदायिक है मैं उनके साथ नहीं रहूंगा आज वो सांप्रदायिकता की लाइन उनको नहीं खटक रही है क्योंकि उनको सत्ता का जो स्वार्थ है वो पूरा होता हुआ इसमें दिख रहा होगा तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार खराब सीएम है सीएम वो बेहतरीन है देखिए आदमी आ... खराब है आदमी आदमी पे तो मैं क्या टिप्पणी करूंगा देखिए विचारधारा को वो कपड़े की तरह पहनते हैं और ऐसे लोग ना अब सीएम बेहतरीन हो प्रशासक बहुत अच्छे हों नौकरियां आपने दी और आपके ही साइंस से वो नौकरियां मिली है ना ये अलग बात है कि सत्रह महीने जो विभाग था वो राजद के पास था और सत्रह सालों में नीतीश कुमार वो काम नहीं कर पाए तो नियत पे सवाल उठता है आप अपने गठबंधन के साथी के साथ गठबंधन का साथी आपका क्या चाहता है आप रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ये सवाल जरूर उठते हैं सीएम के तौर पे आप खारिज उनको नहीं कर सकते लेकिन यह जरूर कहना होगा कि नीतीश कुमार का जो बेनिफिट है या नीतीश कुमार का जो इंटरेस्ट है वो केवल और केवल कुर्सी तक महदूद है वो अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उनके लिए सारी चीजें माफ है आपको जो करवाना है करवाइए यार पूरा देश ऐसे ही चल रहा है नहीं देंगे नौकरियां क्या चला जाएगा यही नीतीश कुमार कहते थे ना कि नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं यही नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है यहां पर नौकरियां

भी ये है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ अगर जाते हैं तो बिहार में जो बीजेपी के समर्थन का वोट है वो वो पूरा पूरा का पूरा नीतीश कुमार को मिलेगा अगर वो ना जाते तो वो वोट पूरा भाजपा को मिलता है इस बीजेपी मजबूत दिखती अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी समर्थन का वोट प्राप्त करेंगे और विरोध का पूरा वोट तेजस्वी यादव को मिलेगा चुनाव जीतने की स्थिति के बाद ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे अब ये समीकरण कौन बना रहा है कौन बिठा रहा है ये बाद में देखा जाएगा लेकिन अगर ये प्लान भी सच में एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की राह में नीतीश कुमार फिर से एक बार नया रोड़ा साबित होंगे आपसे आखिरी सवाल संदीप भारत जोड़ो यात्रा और अपना ही इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है कौन सा भारत जोड़ने निकले हैं कि गठबंधन नहीं बच पा रहा है देखिए गठबंधन आपने गठबंधन ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और उन्हें लड़ना भी चाहिए जो गठबंधन की भूमिका है जिस हिसाब से आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात हो रही है उसमें ममता बनर्जी अगर अकेले चुनाव लड़ें तो वो ठीक ही है वहाँ पर अगर हम एक बड़े तो उन्होंने कह दिया तो आपको ठीक लगेगा ना उसके पहले भी जब शुरुआत में पंजाब में भी यही बात हो रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़े ताकि एक जो विरोधाभास है पूरा एक तरफ ना डाइवर्ट हो चाहे वो अकाली दल हो या कोई अन्य पार्टी हो उसमें और आपने कहा कि नीतीश कुमार जैसे चले गए नीतीश कुमार का जो पलटी मार नाम या जो ट्रेंड चल रहा है पलटी मार या पलटू राम भी लोग कह रहे हैं राम को जिस कह रहे हैं श्री राम आए हैं और पलटू राम गए हैं ये भी काफ़ी ट्रेंड चले तो नीतीश कुमार की जो पूरी ये पल्टी मार की राजनीति है इससे कम से कम जो लोकतंत्र का हनन है जो वोट जनता देती है उसका तो हनन होता ही है बार बार जनता को डाइवर्ट करना कि आप आज इस पार्टी में आज इस पार्टी में जितन राम माँझी को ने चार चार विधायक हैं उनके वो आप देखेंगे रोज़ उनके नए नए बयान आते हैं कि कभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन फिर कहते नहीं हम सोच भी कर सकते हैं हम विचार भी कर सकते हैं बिहार की जनता को भी अब ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार है किसके बड़े बड़े पोस्टर भी लगे कि नीतीश कुमार सबके

पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है या सिर्फ यात्रा निकाल रही है चुनाव लड़ रही है कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से चल रही है और सीटों का बंटवारा अलग अलग तरीके से जो एक कमेटी बनाई इसमें भूपेश बघेल भी हैं और तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उसमें हैं सलमान खुर्शीद जी जैसे लोग हैं और उसमें तमाम लोग जो जब पार्टी की बात हो रही है उनसे मीटिंगें भी कर रहे हैं और सीटों का कंक्लूजन पहुंच अखिलेश यादव ने ऐलान भी किया गया सीट देने का उस पर पार्टी क्या स्टैंड लेती है कांग्रेस पार्टी वो उनका अपना निर्णय है लेकिन जो आपने कहा कि रणनीति किस तरीके से तैयार हुई तो रणनीति ममता बनर्जी का अलग जाना जरूरी नहीं हो वो कांग्रेस से नाराजगी नहीं का, का, वो एक बड़े बड़े माहौल को क्रिएट करना बड़े एक लहर को क्रिएट करना वो भी बंगाल के अंदर हो सकता है नीरज जी आपसे भी ये सवाल लूंगा कांग्रेस की स्थिति नीतीश कुमार के जाने के बाद कमजोर दिख रही है ये बात कितनी सच है बिल्कुल भी मुझे तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं दिख रही और आपने जो बात बोली कि बिहार में शून्य है कहां से आपको शून्य दिख रहा है मुझे नहीं पता विधानसभा में कांग्रेस के मेंबर्स हैं और विधानसभा कांग्रेस ने लड़ी थी सीटें भी जीती थी वहां कितनी सीट जीरो नहीं थी सत्रह सीटों के आसपास शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस ने जीती थी उत्तर प्रदेश की आप जब बात करते हैं तो हाँ चुनावी जमीन पर वहां पर कांग्रेस आपको कमजोर दिखती है पंजाब के अंदर मुख्य ऑपोजिशन पार्टी कौन है भारतीय जनता पार्टी है क्या अकाली दल है क्या कांग्रेस है ठीक है तो आप आप पंजाब में कांग्रेस को रिड्यू रिड्यूस आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रही है पंजाब के अंदर अकेले लड़ रही है इसका मतलब यह थोड़ी हो गया कि कांग्रेस शून्य है कांग्रेस तो वहां पे मुख्य अपोजिशन पार्टी है ही पश्चिम बंगाल में लड़ाई किन पार्टियों के बीच में है टीएमसी के बीच में है, लेफ्ट के बीच में है कांग्रेस के बीच में भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर चौथे फ्रंट की पार्टी है आपको मानना पड़ेगा तो वहां पर टीएमसी और कांग्रेस एक साथ लड़ लें लेफ्ट भी उनके साथ आ जाए गठबंधन के लिए आप ये कह इसका रहे हैं वैक्यूम ना। आ, वैक्यूम जो क्रिएट होगा उसमें बीजेपी को पूरा फायदा मिल जाए तो देखिए स्ट्रैटेजी इतनी घटिया तरीके से भी नहीं लोग बनाते हैं टेबल पे बैठते होंगे तो सोचते समझते होंगे नीतीश कुमार के मामले में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं ये जो आपने एक थ्योरी बताई है कॉन्स्परेसी थ्योरी अभी ये चल रही है और अब मुझे राजनीति में कुछ भी कॉन्स्परेसी लगता नहीं है क्या पता बिल्कुल ठीक हो कि लोकसभा चुनाव में ये वोट ले लें और उसके बाद ये इन लोगों के साथ शामिल हो जाए लेकिन सवाल मेरा उस वक्त भी यही रहेगा अगर ये स्थितियाँ बिल्कुल दिखती हैं होती हुई कि इसमें लोग कहाँ हैं इस लोकतंत्र में लोगों की भूमिका क्या है आप लोगों को बता दीजिए भैया ये हमारा प्लान है इस तरीके से हम लड़ेंगे इस तरीके से जीतेंगे इसका मतलब तो वही है ना जिन चुनावी हथकंडों के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं वही हथकंडे आप अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि संविधान की और लोगों के ताकत की बात करने वाली किसी भी पार्टी को इस तरह के हथकंडे अपनाने चाहिए नहीं अपनाने चाहिए और अगर अपनाते हैं आप सत्ता बना भी लेते हैं तो आपका चरित्र वैसा ही होगा जिस चरित्र की आप आलोचना कर रहे हैं और मेरी आपत्ति मेरी दिक्कत या मेरी आलोचना उस चरित्र को लेकर है वो चरित्र नहीं होने चाहिए लोकतंत्र में हम मालिक हैं एज 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 अ अ अ पर्सन पीपल वोटर हम मालिक हैं और हमको मालिक ही रहना है ये अगर तिकड़म चलते हैं राघव तो हम हम लोग नौकर बना दिए जाएंगे जो बीते कई सालों से हम लोग देख रहे हैं वही हो रहा है लोकतंत्र में लोगों की वैल्यू रिड्यूस हो रही है ये रिडक्शन बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए हम सब लोगों के लिए खेल सवाल के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा सवाल यही कि जब जनता वोट देती है तो उसके पास मैनिफेस्टो होता है विचारधारा होती है सोच होती है जिसे देख करके वोट दिए जाते हैं वोट देने के बाद अगर विचारधारा मैनिफेस्टो सोच नेता अपने आप बदल ले तो इसको वोट की और लोकतंत्र की लूट भी समझा जा सकता है क्योंकि जिस स्थिति में मैंने वोट दिया था मैं उस व्यक्ति को किसी और पार्टी और किसी और विचारधारा का समर्थक समझता था अब मेरा वोट दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल होगा यह सवाल मेरे मन में हमेशा रहेगा लोकतंत्र के लिए ऐसी घटनाएं कितनी नुकसानदेह हैं क्या आपके विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और आज की न्यूज रूम चर्चा आपको कैसी लगी यह लिख के बताइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे मिलेंगे कल से फिर न्यूज रूम चर्चा में तब तक के लिए धन्यवाद